हर तरफ चीख पुकार, हाहाकार, करुण क्रंदन, बिलखती महिलाएं, बच्चे, बड़े। कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर था एटा जिले का, जब नगला कसा गांव में एक साथ 23 शव पहुंचे, जिनमें 13 महिलाओं के और 9 बच्चों की लाशें थी। गांव के खेतों में सभी का अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के मुताबिक कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र में सुबह गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पटियाली दरियावगंज मार्ग पर एक पोखर में पलट गई, जिससे 9 बच्चों और 13 महिलाओं समेत कुल 23 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पोस्टमार्टम के बाद सभी शवों को लेकर परिजन गांव पहुंचे। उसके बाद से पूरे इलाके में करुण क्रंदन सुनाई पड़ रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की घटना के गवाह से भी हम आपको मिलाते हैं, सुनिए क्या मंजर था। क्या आपके भी इस दौरान चोटें लगी हैं? क्या चोट हमारे लगी है? प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अकाउंट पर पीएम मोदी ने कहा कि कासगंज दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से भी राहत राशि प्रदान की जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज हादसे पर दुख जताया है और हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा तथा घायलों को 50 हजार रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। तो यह घटना बड़ी दुखद है। इस घटना पर आप क्या सोचते हैं, उनके परिजनों के लिए दुआ कीजिए और अपनी राय कॉमेंट करके बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP Live।